बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में रविवार को बड़ी चूक नजर आई। उनके पैतृक शहर पटना से सटे बख्तियारपुर में विक्षिप्त युवक ने हमले का प्रयास किया। शाम 5 बजे के करीब हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी पंडित सील भद्रयाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, इसी दौरान इस तरह की घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट के पास अपने समर्थकों से मिलने के बाद अपने घर चले गए। घर पर कुछ समय बिताने के बाद वह बख्तियारपुर बाजार की तरफ निकल गए। वहां स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वतंत्रता सेनानी सील भद्रयाजी की प्रतिमा लगी है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों अधिकारियों के साथ परिसर में पहुंचे थे, तब गेट को बंद कर दिया गया। इसी दौरान हमलावर युवक कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों के साथ इस परिसर में प्रवेश कर गया था। मुख्यमंत्री जब प्रतिमा के चबूतरे पर पहुंचे, तभी युवक तेज गति से बढ़कर उनके समीप पहुंच गया और पीठ की ओर हमले का प्रयास किया। उसने मुख्यमंत्री पर मुक्के से हमला किया तो नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। इस दौरान नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे कर्मियों को भी कुछ समझ में नहीं आया। तत्काल सुरक्षा कर्मियों ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया और चबूतरे से हटा दिया। मुख्यमंत्री माल्यार्पण के बाद वहां से निकल गए। इस घटना के बाद SSP और ग्रामीण SP समेत कई आला अधिकारी बख्तियारपुर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक पहले से स्टूडियो चलाता था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पहले भी आत्महत्या के कई प्रयास, जिसमें 2 मंजिला छत पर नीचे से कूदना और फांसी लगाने का प्रयास शामिल है, कर चुका है। हमलावर युवक की पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती है। छोटू नाम के इस युवक का इलाज चल रहा है और इसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर अकेले ही रहती है। पूछताछ के माध्यम से पुलिस युवक का इरादा और उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ऊपर हमले का प्रयास करने वाले युवक पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमला करने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। CM ने कहा कि अधिकारी उसकी समस्या का निदान करने में उसका सहयोग करें। इस मामले में पटना के SSP मंजीत सिंह ढिल्लों ने न्यूज एजेंसियों से बातचीत में कहा कि हमलावर युवक मानसिक तौर पर हमले से विक्षिप्त रहा है और उसका इलाज कराया जा रहा है। SSP ने बताया कि परिजनों को तलब किया गया है और युवक के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।